भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर झूठे सपने दिखा करके आई थी। देश की जनता को पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है कि असली आतंकवादी तो वे लोग हैं जो झूठा आतंकवाद के नाम पर हमारे हाथ में बंदूक दे करके हत्या करवाते हैं। मोदी केवल अपने वोट बैंक को हत्याने के लिए कैमरे का इस्तेमाल करते हैं। जहां सैनिक एक सोल्जर के नाम से भर्ती होता था, गर्व होता था मैं एक सोल्जर हूं, आज उसी सैनिक को भर्ती होते समय यह महसूस होता है मैं एक नाटककार, रामलीला में काम करने वाला नाटक कंपनी का मैं अग्निवीर हूँ। मोदी से ज्यादा भ्रष्ट प्रधानमंत्री नहीं मिल सकता जिसने देश के संस्थानों को बेच दिया है। मोदी को युग पुरुष नहीं, ये भ्रष्ट पुरुष है। ऐसा पहला प्रधानमंत्री मिला है। जान हम दें, काम हम करें, देशभक्ति के नाम पर सत्ता को वे लूटे। इसने केवल सैनिकों का अपमान किया, देश के किसानों का अपमान किया। देश की अर्थव्यवस्था आज जो खराब है इसका कारण भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी रहेगी तो इस देश का सत्यानाश है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कैप्टन विनोद कुमार। इनसे जानेंगे जिस तरीके से देश में हंगर इंडेक्स बढ़ रहा है और लगातार प्रोग्रेस की बात हो रही है। आए दिन कुछ न कुछ नई घटनाएं आती है लेकिन उसको उस पर पर्दे डाल दिए जाते हैं और एक बयान आता है सब चंगा सी। सर, क्या कहेंगे हंगर इंडेक्स पर? अब जो है चार पायदान नीचे खिसक गया है इंडिया। मैं कैप्टन विनोद कुमार, दांगड़ खाप चौधरी, किसान क्रांति सैनिक संगठन। सेना में 38 साल नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट हुआ, उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि इस देश को लोग धर्म और जाति के आधार पर अपना वोट बैंक मांगते हैं। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने तो सैनिकों की शहादत पर भी घड़ियाली आंसू बहा करके सत्ता हासिल किया। और जब हमारे बुजुर्ग सैनिक, विधवाएं जंतर मंतर पर वन रैंक वन पेंशन दो के समर्थन में बात कहते हैं, उनकी भी आवाज़ नहीं सुनी जाती। देशभक्ति का नारा लगाने वाली, देशभक्ति होता है देश हित में काम करो और भूल जाओ, आप लोग तो राजनीति पे उतर आते हैं। देशभक्ति का मतलब होता है देश के लिए काम करो, देश के लिए जान दो। लेकिन जान हम दें, काम हम करें, देशभक्ति के नाम पर सत्ता को वे लूटें। किसान, हम किसान परिवार से सैनिक आते हैं। जब हमारे परिवार के बुजुर्ग लोग किसानों की वाजिब दाम के लिए मांग करते हैं उनको आतंकवादी कहा जाता है। हम तो आतंकवादियों को मारने वाले होते हैं। तो हमें रिटायरमेंट के बाद पता चला कि असली आतंकवादी तो वे लोग हैं जो झूठा आतंकवाद के नाम पर हमारे हाथ में बंदूक दे करके हत्या करवाते हैं। शायद कश्मीर के आतंकवादी भी कहीं ऐसा तो नहीं सेब की फसल की मांग करते हों? जो नक्सली हैं ये अपनी ज़मीन की, अपने जंगल की वाजिब दाम मांगते हों, जैसे गन्ना किसानों, गेहूं के किसान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के किसानों ने पिछले 13 महीने धरना दिया, उनको आतंकवादी कह दिया। अब सेना के मनोबल पर भी इसका असर पड़ेगा। मोदी जी कितना सम्मान करते हैं सैनिकों का, उनके साथ जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, वर्दी पहनते हैं, चाय पीते हैं और हमेशा अपनी बातों में सेना को सम्मान देने की बात करते हैं, सम्मानित बातें कहते हैं उनके लिए। नरेंद्र मोदी जी एक प्रचारक के तौर पर काम करते हैं। सभी प्रधानमंत्रियों ने सेना के साथ चाय पिया, खाना खाया, यहाँ तक कि लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1971 में, इंदिरा गांधी जी तो लड़ाई में 71 में, 64 में, 65 में सैनिकों के साथ मोर्चों में भी गए हैं। मोदी केवल अपने वोट बैंक को हत्याने के लिए कैमरे का इस्तेमाल करते हैं। मोदी अगर सच देश, आप लोग उनकी अच्छाई को बुराई में बदल देते हैं। उनकी कोई अच्छाई हो तो मैं बताऊं, उनकी अगर अच्छाई है तो जो वन रैंक वन पेंशन है, विसंगतियाँ हैं इस पर हमारे जंतर मंतर पर बहुत बुजुर्ग हमारे सैनिक महिलाएं बैठी हुई हैं, उनके साथ कभी भी कोई मंत्री ने आकर बात किया? जहां सैनिक एक सोल्जर के नाम से भर्ती होता था, गर्व होता था मैं एक सोल्जर हूँ,
आज उसी सैनिक को भर्ती होते समय यह महसूस होता है, मैं एक नाटककार, रामलीला में काम करने वाला नाटक कंपनी का मैं अग्निवीर हूँ। सैनिक शब्द बदल करके सेना का अपमान किया है। सेना का सम्मान अगर किसी ने किया है, मोदी से पहले जितने भी प्रधानमंत्री हुए उन्होंने सेना का सम्मान भी किया। महंगाई के अनुपात के अनुसार हर 3.75 से गुना करके महंगाई भत्ता मिला करके हमें डीए भी दिया, हमें नया वेतनमान भी दिया। इसने केवल सैनिकों का अपमान किया, देश के किसानों का अपमान किया। और तो क्या, महिलाएं, हापुड़ की चाहे घटना हो, चाहे मणिपुर की घटना हो, देश की कहीं भी घटना हो, क्या कभी ये महिलाओं के अपमान के खिलाफ बोलते हैं? महिलाओं के लिए कानून बना रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। कानून बनाना अलग बात है, पहले से भी कानून है, कानून पर अमल करना पुलिस का काम है। लेकिन एक प्रधानमंत्री के होने के नाते तुरंत टीवी चैनल पर आकर सख्त कार्रवाई करने का आदेश देना और सचमुच में अमल करना ये अलग बात है। कहना अलग बात है और फोटो खिंचवाना अलग बात है, प्रचार करना अलग बात है। टीवी चैनलों पर हमास के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, अफगानिस्तान के बारे में, अन्य देशों की घटनाओं के बारे में दिखा करके हमें ऐसा डर दिखाते हैं जैसे हमारी देश की सेना कोई कमज़ोर हो। हमारी देश की सुरक्षा की करने के लिए हमारी देश की सेना बहुत मजबूत है, आंतरिक सुरक्षा के लिए पुलिस बहुत है। हमें जरूरत है सही ऐसी सरकार की जो जाति और धर्म से मोदी जी से ज़्यादा सही कौन हो सकता है? युग पुरुष हैं, वर्षों में ऐसे लोग मिलते हैं। मोदी को युग पुरुष नहीं, ये भ्रष्ट पुरुष है, ऐसा पहला प्रधानमंत्री मिला है। मोदी से ज्यादा अच्छा प्रधानमंत्री मिल ही नहीं सकता। मोदी से ज्यादा भ्रष्ट प्रधानमंत्री नहीं मिल सकता, जिसने देश के संस्थानों को बेच दिया है, जिसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है, जिसने अपने गुरु आडवाणी का, उनका निजी मामला है, पत्नी को छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, देश को अपना परिवार मान लिया। और क्या चाहते हैं आप? देश को परिवार मानना तो घर को क्यों छोड़ना? मोदी की पत्नी में क्या कमी है? वो भी हमारी प्रथम महिला है। देश की सेवा करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं तो जाइए, अपने परिवार को सेना में भर्ती कीजिए, देश के लिए काम कीजिए। आप सरकारी संस्थानों को बेच रहे हैं, आप खिलाड़ियों को अपमानित कर रहे हैं, खिलाड़ी महिलाओं के अपमान के लिए क्या हुआ आपने देखा ही है। हरियाणा में खिलाड़ियों, जो खिलाड़ी मेडल जीत कर आते थे, उनकी भर्ती कोटे का क्या हुआ? देश का कहाँ सम्मान करें हैं? किसान की जो लागत आती है उसका सही मूल्य नहीं मिलता है, जो छात्रों को रोजगार मिलना चाहिए तो वो रोजगार नहीं मिलता है। जाति धर्म, हिंदू मुस्लिम, कहीं पे कहेंगे गुजर, जाटों की जाट गुजर की औलाद थे, जहाँ जिस भी बहुल जाति की वोट हैं वहाँ पर उनकी प्रशंसा करेंगे, अन्य जाति धर्म की बुराई करेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर झूठे सपने दिखा करके आई थी। देश की जनता को पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। कोरोना के दौरान ही देखिए, ट्रेनों पर चलते हुए कितने बिहार बंगाल के बच्चे मरे हैं। मैं तो बोलता हूँ कि देश की अर्थव्यवस्था आज जो खराब है, इसका कारण भारतीय जनता पार्टी है। दलितों के ऊपर अत्याचार होता है, वहाँ पर लट जयंत चौधरी खाते हैं। दलितों के साथ अत्याचार होता है तो वहाँ पर कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता क्यों नहीं खड़ा होता? बलात्कार भारतीय जनता पार्टी के नेता है, कुलदीप सेंगर हो या अभी जो कुलभूषण जो थे, अपने खेल में मंत्री थे, ब्रजभूषण थे, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई किया है? देखिए, मैं आत्मा से बोल रहा हूँ, एक सैनिक हूँ, किसान परिवार का बेटा हूँ, बुजुर्ग हूँ, भारतीय जनता पार्टी रहेगी तो इस देश का सत्यानाश है। तो ये सैनिक रह चुके हैं, पूर्व सैनिक, सेवा दी है जिन्होंने, उनका दुख दर्द आपने सुना, उन्होंने उनकी जुबानी सुना है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, धन्यवाद।